हिमाचल प्रदेश मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएशन मंडी इकाई के सदस्यों ने बुधवार को राष्ट्रीय संगठन FMRI के आह्वान पर अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। इस अवसर पर मंडी शहर के सेरी मंच पर नारेबाजी की गई और नुक्कड़ सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान हिमाचल प्रदेश मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएशन के राज्य महासचिव जगदीश ठाकुर व राज्य उपाध्यक्ष प्रकाश ठाकुर ने सदस्यों को संबोधित करते हुए देश में दवा प्रतिनिधियों की एक दिवसीय हड़ताल को कामयाब बनाने पर मंडी इकाई के सभी सदस्यों का धन्यवाद किया। उन्होंने सभी से आह्वान किया कि यदि केंद्र सरकार, राज्य सरकार व कंपनी के प्रबंधक उनकी मांगों को नहीं मानेंगे तो आने वाले समय में भी संगठन के सभी सदस्य देश भर में हड़ताल व धरना प्रदर्शन जारी रखेंगे। वहीं विभिन्न वक्ताओं ने भी अपने अपने विचार रखते हुए दवा प्रतिनिधियों की मांग को दोहराते हुए कहा कि सरकार चारों श्रम संहिताओं को रद्द कर पुराने श्रम कानूनों को बहाल करे, सेल प्रमोशन एम्प्लॉय एक्ट 1976 को बहाल कर सभी श्रम कानूनों को सख्ती से लागू करवाया जाए तथा समस्त सेल एम्प्लॉय के वैधानिक कार्य नियमावली लागू करने के साथ साथ IT एक्ट की धारा 201 धारा 2E के अंतर्गत सेल प्रमोशन को उद्योग का दर्जा दिया जाए। इसके साथ ही सेल प्रमोशन एम्प्लॉयज के लिए 8 घंटे के काम को लागू करने व समस्त सेल एम्प्लॉयज के लिए 26,000 प्रति माह न्यूनतम वेतन घोषित करने की मांग भी शामिल है। इस हड़ताल का जो मेन जो मुद्दा है, जो मेन जो हमारा मकसद है, वो है कि जो काले जो श्रम संहिताओं को जो रद्द करने का जो हमारे जो लेबर लॉ थे 44, उनको जो है स्क्विच करके जो है 4 लेबर कोड कर दिया गया है। तो ये हमारी डिमांड है कि जो 4-4 लेबर कोड्स हैं उनको रद्द किया जाए और जो हमारे पहले के जो 44 जो लेबर लॉज हैं उनको जो है इम्प्लीमेंट किया जाए। एक हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है। ऊपर से जो सेल्फ प्रमोशन एम्प्लॉयज एक्ट है, जो हमारा SP एक्ट 1976 है, उसको बहाल करने के लिए हमारी ये भी एक मुख्य मांग है। इसके साथ ही समस्त सेल्फ प्रमोशन एम्प्लॉयज के लिए जो वैधानिक कार्य नियमावली जो है उसको लागू करवाना है। साथ में हमारी एक मुख्य डिमांड है कि जो हमारा जो 8 आवर्स जो वर्किंग के जो 8 आवर्स हैं वो हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि वो जो है मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के लिए जो है 8 घंटे जो है तय किए जाए। इसके साथ साथ हमारी जो और भी जो मांगे हैं कि जो दवाओं के जो दाम हैं उनको जो है कम किया जाए और दवाओं के ऊपर जो GST है उसको जो है 18% और 12% से कम करके 5% तक लाया जाए। और इसके साथ साथ जो दवा कंपनियों द्वारा जो अनैतिक जो व्यापार जो किया जा रहा है उसके ऊपर जो है रोक लगाई जाए। इस तरह के जो हमारे कुछ जो मुद्दे हैं मुद्दों को लेकर जो है आज हम देश व्यापी जो है हड़ताल कर रहे हैं।